आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनाव आयोग आज कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीख का हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आज से ही लग जाएगी आचार संहिता, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी समेत 5 राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग आज कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव की तारीख का हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आज से ही लग जाएगी आचार संहिता, यूपी समेत 5 राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है, आज क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि 3:30 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया गया है उस नोटिफिकेशन में कि 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके अलावा और जो बाकी के जो 3 राज्य हैं वहां पर जो चुनाव है और उन चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो होने वाला है। उनकी बात अगर करी जाए तो मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा, ये वो 5 राज्य हैं शिखा, जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होगा। और उसी को देखते हुए अब ये बताया जा रहा है कि आज इन चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद शायद आज से ही यहाँ पर ये जो आचार संहिता है वो भी लग जाए। जी, आचार संहिता लगने के बाद किन किन चीजों पर रोक लग जाएगी नितिन? देखिए, आचार संहिता लग जाएगी तो सरकारी जितने भी कार्यक्रम है उन सभी पर रोक लग जाएगी, सरकारी योजनाओं पर रोक लग जाएगी, किसी प्रकार से किसी तरीके से जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर रोक लग जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज का वहां से पूरा काम शुरू हो जाता है, सरकार का काम वहां से सारा रुक जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद तारीखों के ऐलान से ये भी साबित हो जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी और ताकत झोंकनी है, और कितने दिन बाद कब कौन सी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में किन वादों के साथ जनता के बीच आएगी। जी नितिन, जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी जाएंगी, तो क्या ऐसा भी कुछ संभव है या फिर निर्धारित समय पर ही होगा चुनाव? देखिए, जिस तरह से बीते दिनों चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी अन्य 4 राज्यों में अपने दौरे किए हैं, और उसके बाद यहाँ से जो वोटिंग लिस्ट बनाई है, वोटिंग लिस्ट के आधार पर जितनी तेजी से चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, और इसके अलावा बीते दिनों जब राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम आई हुई थी तो उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी लखनऊ में भी की गई थी, और वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि जो चुनाव है वो चुनाव सही समय पर और तय समय पर होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी जो हामी थी वो भी भरी थी, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग यही चाहता है कि तय समय पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होए, और उसी को देखते हुए अब उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनावों की जो तारीखें हैं उनको नहीं बढ़ाया जाएगा, कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है, कोविड का जो भी पालन है वो करते हुए ही चुनाव कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो आज बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 3:30 बजे चुनाव आयोग की बैठक हो सकती है और बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तारीखों का ऐलान हो सकता है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया फरमान, बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू करने का जारी हुआ फरमान, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला। 11,000 हेड कांस्टेबल को दारोगा बनाने के लिए फरमान, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया फरमान। 10 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू करने का जारी हुआ फरमान, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये लिया गया फैसला। 11,000 हेड कांस्टेबल को दारोगा बनाने के लिए फरमान, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया है बड़ा फरमान। इस
खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 10 जनवरी से ट्रेनिंग करवाने की बात सामने आ रही है, कोरोना के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी, आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना को देखते हुए जो सभी कम्युनिटी सेंटर उसको बंद किया जा रहा है, और जो भी आपके जहां ट्रेनिंग की जाती है या फिर जिम हो या स्विमिंग पूल है, इसको बंद किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से फरमान आया है कि 11,000 हेड कांस्टेबल को जल्द ही दरोगा बनाने के लिए 10 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले कारण सभी वो बंद हो रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उन्हें हेड कांस्टेबल बनाने के लिए, जो हेड कांस्टेबल है उन्हें दरोगा बनाने के लिए फिजिकल तैयारी कराई जाएगी। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जहां कोरोना अपनी रफ्तार में पकड़ चुका है और 24 घंटे के अंदर दो दिनों से देश भर में 1,00,000 केस आ रहे हैं, वहीं अगर जो वहां पे 11,000 हेड कांस्टेबल को दरोगा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी तो साफ तौर से कोरोना वहां भी फैल सकता है। और सरकार को अगर इस पे काम करना है तो पूरा नियम के साथ करे और इनको अलग अलग शिविरों में रख के प्रशिक्षण करवाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। 11,000 हेड कांस्टेबल को दरोगा बनाने के लिए फरमान जारी किया गया है और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना, बड़ी खबर सामने आ रही है, बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी है, मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली के लिए। दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना, बड़ी खबर सामने आ रही है, बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट रहेगी। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है, ठंड बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही, मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। इससे दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बाकी के आसपास के राज्यों में भी बारिश हो रही है और बारिश की संभावना जताई भी गई है। आम आदमी पार्टी की आज वर्चुअल रैली, बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सांसद संजय सिंह करेंगे संबोधित, आपके प्रदेश कार्यालय से करेंगे संबोधित, 3 बजे वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी की आज वर्चुअल रैली, बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सांसद संजय सिंह करेंगे संबोधित, आपके प्रदेश कार्यालय से करेंगे संबोधित, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, कितना जरूरी है वर्चुअली रैली, क्योंकि एक तरफ चुनाव है दूसरी तरफ कोरोना, तो वर्चुअल माध्यम से जनता के बीच जाना, अपनी योजनाएं बताना कितना सही रहेगा? देखिए रैली वर्चुअल का अपना एक महत्व है, और जो फिजिकल रैली होती है जिसमें हम जनता को अपने सामने संबोधित करते हैं उसका एक प्रभाव अलग होता है। पर जिस तरह से कोरोना फैलना लगातार देश में, कल भी लगभग 144,000 मामले आए थे, तो बड़ा संकट है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं सब तमाम, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ पर लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें, अब तक अगर मामलों की बात करें तो लगभग 62 से 63 जिलों में ये मामले फैल चुके हैं, कोरोना के मामले आ चुके हैं। तो और इसके साथ ही जो बढ़ते जाने का जो फैसला किया है, बहुत मैं सदरी सारे स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के फैसले होने चाहिए कि कोरोना को देखते हुए आप अगर आम जनमानस को आप सभा के लिए रैली के लिए बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं संक्रमण होने का यानी अंदेशा हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा था अभी हाल में अरविंद केजरीवाल आए थे लखनऊ, आए थे 2 जनवरी को, उन्होंने रैली की थी और रैली के समय ही कुछ लोगों के साथ संपर्क में आए और बाद में उन्होंने बताया कि हम कोरोना संक्रमित हैं। उसके बाद कई लोगों की जांच कराई गई जो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो बड़ा फैसला इनका है और वर्चुअल रैली करेंगे और निश्चित रूप से जिसको सुनना है, जिसको समझना है, जिसको आपकी पार्टी की भावनाओं का या आधार का या जो आपका एजेंडा उसको समझना है तो वर्चुअल माध्यम से समझ सकता है। तो निश्चित रूप से वर्चुअल रैली है, बहुत सही समय पर फैसला लिया है और मैं कोशिश करूंगा, मैं निवेदन करूंगा अन्य दलों को भी कि
कि उनको भी वर्चुअल रैली की व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है, ओमिक्रॉन के लगातार मामले आ रहे हैं, वर्चुअल रैली ही और अच्छा विकल्प रहेगा आगामी चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। धनौरी और हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश, बड़ी खबर सामने आ रही है, देर रात से हो रही झमाझम बारिश, लगातार झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश और बढ़ती ठंड से लोग दुखे घरों में, बारिश से किसानों की गेहूं की फसलों को होगा फायदा, बड़ी खबर सामने आ रही है। धनौरी और हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश, देर रात से हो रही झमाझम बारिश, बारिश से लोग घर में कैद होने को मजबूर, लगातार झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड, बारिश और बढ़ती ठंड से लोग घरों में दुबके। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। धनौल्टी और मसूरी में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तीन दिन तक बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश से ठंड भी बढ़ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। धनौल्टी और मसूरी में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तीन दिन तक बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। धनौल्टी और मसूरी में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना, बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तीन दिनों से हो रही बारिश ने ढाया सितम, बाजारों में पसरा सन्नाटा, ठंड के चलते निकलने से कतरा रहे लोग, जरूरतमंद ही लोग निकल रहे बाजारों में, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तीन दिनों से हो रही बारिश ने ढाया सितम, बेकाबू गाड़ी ने चार लोगों को रौंदा, बड़ी खबर सामने आ रही है, हादसे में तीन की मौत एक घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हुए घायल। खागा कोतवाली के महिचा मंदिर के पास की घटना, बेकाबू गाड़ी ने चार लोगों को रौंदा, बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।